हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे घर का बाथरूम कैसा होना चाहिए, क्योंकि घर के हर एक चीज, हर एरिया के बारे में, जैसे ड्राइंग एरिया, किचन, हॉल, रूम, हर एक के बारे में आप वैसे जानते हैं, पर बाथरूम के बारे में कोई भी ये नहीं सोचता है कि हमारे घर का बाथरूम कैसा होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम ही ऐसा जगह है जहाँ पर लोग रिलैक्स फील करते हैं। तो घर का बाथरूम जो है आपको किस तरीके का रखना है, कैसा बाथरूम हमारा होना चाहिए, तो बाथरूम में रिलैक्स की बात से हमारा कैमरामैन भी बहुत हंसने लगा है, इसलिए हमारे कैमरामैन को चेंज करना पड़ा है। तो देखिए, हम आते हैं कि हमारा बाथरूम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे बाथरूम में तीन एरिया मेन होते हैं, शावर एरिया और कमोड एरिया और एक वॉश बेसिन एरिया। इसका मतलब ये है कि शावर एरिया में जहां पर जो ऐसा पार्ट होता है बाथरूम का जो हमेशा ही गीला रहता है, क्योंकि लोग वहां पर नहाते हैं। तो देखिए, मैं इसे तीन पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा शावर एरिया, ये हमारा कमोड एरिया, ये है वॉश बेसिन एरिया। इस बाथरूम को, आपके घर का कैसा भी बाथरूम हो, आप ये तीन पार्ट उसमें जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमें बेसिन की जरूरत होती है, हमें कमोड की जरूरत होती है और हमें एक शावर एरिया की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा तरीका है आपके बाथरूम को इस तीन पार्ट में बांट लीजिए आप। और इस तीन पार्ट में बांटने के बाद से जो हमारा ड्राई एरिया, जैसे मान लीजिए जो वॉश बेसिन का एरिया होता है और जो कमोड का एरिया होता है, वो थोड़ा सा ड्राई एरिया है, इसीलिए आप इसे हमेशा एक साथ रखिए, क्योंकि ये ड्राई एरिया। ज्यादातर लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो बाथरूम है उसमें ड्राई एरिया कितना पार्ट होना चाहिए और जो हमारा वेट जोन है, वेट एरिया है, वो कितना होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो है ये वेट जोन है, इसे बोला जाता है वेट एरिया बाथरूम का, और ये दूसरा है ये ड्राई जोन है। ये बाथरूम का ऐसे दो पार्ट है जो ये ज्यादातर ये सूखा रहता है, इसलिए हम इसे ड्राई जोन कह रहे हैं, और ये जो पार्ट है ये वेट जोन है, क्योंकि ये ज्यादातर हमेशा गीला रहता है। तो हमारा बाथरूम जो है, इस हिसाब से अगर आप सेट कर रहे हैं तो आपका बाथरूम जो है हमेशा साफ रहेगा और आपको उसमें सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा बाथरूम में कभी काई जम रहा है, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, कमोड के नीचे में गंदगी रहती है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसा होता है जो हमारे बाथरूम में हमें परेशानी होती ही है। अगर आप इस तरीके से अपने बाथरूम को सेट करते हैं तो आपका बाथरूम बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही साफ रहेगा और आपको साफ करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।